लोहरदगा जैक बोर्ड झारखंड के द्वारा राज्य में 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। लोहरदगा जिले के रहने वाले मौलाना की बेटी सना परवीन राज्य में साइंस की छठवीं टॉपर बनी है। सना ने बताया कि वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। जिले के किसको प्रखंड के रहने वाले मौलाना जहाजगीर हुसैन बेटी सना परवीन ने उस्लाइन इंटर कॉलेज रांची से पढ़ाई कर साइंस में 473 अंक प्राप्त किए हैं। कुल अंकों का 94.6% लाकर पूरे झारखंड में छठवीं टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मैंने जो भी अंक लाया है और बहुत ही यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की थी मैंने, और सभी का अच्छे से योगदान रहा है। सभी ने बहुत ही मदद की मेरे पढ़ने में और फिर सहयोग भी किया है और पढ़ा, और फिर हमेशा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में, और इसे मैंने लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत सीठियों गांव में एक युवती के साथ गैंग रेप का प्रयास और विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। युवती पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। युवती का हालत को देखते हुए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। शाम करीब 6:30 बजे हमें सूचना मिली है धारदार हथियार से हमला किया गया है। जो विक्टिम है उनको सेना अस्पताल में भेजा गया और उसके बाद उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और FIR रजिस्टर। लूटू महली का बेटा संतोष महली हमको पूरी नज़र से देखता था और गंदा गंदा गाली देता था और हमको घर में भी बुलाया था और नहीं जाने पर घींच करके मेरा घर जगह से बाहर खड़े थे और ले गया। लोग सफल नहीं हो पाया रेप करने में तो हमको मारपीट किया है। तो सर बहुत दिन से वो लोग धमकी दे रहा था और हमको गंदी नजर से देख रहा था। उसी के कारण है आज वैसे हालत में है। तो कौन किया हमला? लुदू महली, संतोष महली और कृष्णा महली, रंगा महली और संजय महली और परमेश्वर महली और संतोषी देवी और उसकी पत्नी कौशल्या देवी लुटुमाली, उसका पूरा परिवार था। और साहिबगंज में जिला प्रशासन की ओर से हर माह की पहली तारीख को रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। मई माह की पहली तारीख को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कैंप में DC हेमंत सती, SP कुमार कौरव ने ब्लड डोनेट कर उद्घाटन किया। वहीं जिला के आला अधिकारी, सरकारी कर्मी, पुलिस अधिकारी, समाज सेवी समेत आमजन ने भी ब्लड डोनेट किया। जो रक्त की आवश्यकता होती है वह दूसरे के द्वारा दिए गए दान के माध्यम से ही संभव हो पाती है। इसीलिए मैं अपने समस्त जिलावासियों से, जो स्वस्थ हैं, जो देने में सक्षम हैं, उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में इस रक्तदान महाअभियान कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और लोगों की जान बचाने में, थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं जिनको हर माह ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी लोगों के जीवन की रक्षा करने में भागीदारी। सदर अस्पताल में उपायुक्त महोदय के इनिशिएटिव से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी बड़े उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और हमारी यही आकांक्षा है, यही एक्सपेक्टेशन सभी पब्लिक से भी है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के ब्लड डोनेशन करें सदर अस्पताल साहिबगंज।